हे एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम आईएमईसीटी एस्पिरेंट सेंटर स्कोर 95। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे शो में टू टू टॉक्स बाय 95। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये बता दो या भैया ये बता दो कि डीएनएस ज्वाइन करने के लिए मेरे को क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या मेरे को फिजिकली फिट होना चाहिए, कितनी मेरी आईसाइट होनी चाहिए, मेरा फ्लैट फुट होना चाहिए नहीं। तो भाई आज उसका हम भांडा फोड़ कर देंगे, ठीक है, बता देंगे क्या क्या है इसमें। डीएनएस रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और ये भी बताएंगे कॉलेज ज्वाइन करने में क्या क्या चाहिए और कंपनी ज्वाइन करते वक्त क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है चीजों को लेके, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो भाई, टू टू टॉक्स बाय 95 पे पहला वीडियो है आज हमारा डीएनएस की एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे भाई एजुकेशन के बारे में, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, आपको अगर डीएनएस प्रोग्राम ज्वाइन करना है। तो भाई देखो, तीन तरीके से आप डीएनएस प्रोग्राम में एंट्री कर सकते हो। एक सीधा है 12th का एग्जाम देके, 12th बोर्ड का एग्जाम देके, किसी भी एक सीधा है 12th बोर्ड का एग्जाम देके। दूसरा है बीएससी करके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट होना चाहिए किसी एक ईयर में, और बीटेक किसी भी आईआईटी या फिर एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में विद 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। 12th बोर्ड और बीएससी से कर रहे हो तो 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, और बीटेक कर रहे हो किसी आईआईटी या फिर एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लाइक एनआईटी, स्टेट कॉलेजेस जितने हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट जितने हैं भाई, जिनका नाम जानते हो आप, पर रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए इसके द्वारा, एआईसीटीई के द्वारा। वहां से आप बीटेक कर सकते हो, 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो आप वहां से डीएनएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो तीन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश में आपको 12th ग्रेड में 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए, उससे कम पे नहीं चलेगा, ठीक है। और एससी एसटी के लिए एक स्पेशल रखा गया है कि एससी एसटी को 5% का रिलैक्सेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स में, और बीएससी में 55% पे भी ले लेंगे इन लोगों, तो 60% की जगह 55 और पीसीएम में 60% की जगह 55% पे। बट जो बीटेक होता है, नॉर्मली जो कॉलेजेस से बीटेक होता है उसमें मिनिमम मार्क्स 50% चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अगर आप 40% 5% लाओगे तो आपको डिग्री ही नहीं मिलेगी, तो इसलिए एसएसटी का रिलैक्सेशन इसमें नहीं लग सकता है, जैसा कि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बट बाय द 5% कम रखो मैं जनरल से, और ओबीसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं एज की, एज कितनी चाहिए भाई। वो एज चाहिए 17 से लेके 25 साल, 17 से लेके 25 साल। जिस दिन तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा उस दिन आप 17 साल के होने चाहिए, और जिस दिन आपका कॉलेज स्टार्ट होगा उस दिन मैक्सिमम 25 साल के होने चाहिए, मतलब 17 मिनिमम है 25 मैक्सिमम। इसमें मतलब 16 साल का लड़का इसमें घुस नहीं सकता है, सोच लो। तो आप कम एज में डीएनएस नहीं कर सकते हैं, आपको 17 ईयर होना जरूरी ही जरूरी है। और फिर एससी एसटी का रजिस्ट्रेशन है ये 25 ना होके 30 है, बट मिनिमम एज अभी भी 17 है, 17 से कम में भी एससी एसटी कोई एंटर नहीं कर सकता इसमें, तो मैक्सिमम 30 तक जा सकते हैं एससी एसटी वाले। इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स लाना हर किसी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है। तो बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की भाई। देखो तो फिजिकल फिटनेस में क्या है भाई, डीजी शिपिंग एक अथॉरिटी है मुंबई में, जिसने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, आपको फिजिकली इतना फिट होना पड़ेगा जिससे कि आप डीएनएस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकें किसी भी सर्टिफाइड डीजी शिपिंग के कॉलेज में। तो वो क्राइटेरिया मैं बताऊंगा आपको, और जब आपका एडमिशन हो रहा होगा उस टाइम आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, और वो सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाओगे, डीजी शिपिंग ने कुछ डॉक्टर्स को, लगभग 50 या 60 डॉक्टर्स को क्वालिफाई किया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जैसे यूपी में 7-8 जगह पे हैं, बनारस है, लखनऊ है, कानपुर है, नोएडा है, से इन जगहों पे कुछ एक डॉक्टर्स हैं जिनको सर्टिफाई किया है डीजी शिपिंग ने, जहाँ पे आकर आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है कि मैं फिजिकली फिट हूँ या नहीं हूँ डीएनएस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम प्रोड्यूस करना पड़ेगा भाई। तो आई साइट का क्या है, आईज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपकी आँख में, जैसे कि बाद में पता लगे ज्वाइन करने के बाद कोर्स आपकी आँख खराब हो रही, तो आपको निकाल सकते हैं कॉलेज से, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कॉलेज अपनी रेपुटेशन को लेकर मजाक नहीं करेगा किसी के साथ। दूसरा है कि आपकी आई बॉल मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट होना चाहिए, ऐसे मतलब टिक होना चाहिए, समझ रहे हो ना, पूरा आई बॉल मूवमेंट होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपके एक साथ।
और डीएनएस प्रोग्राम के लिए जो आई का क्राइटेरिया है, आपकी बेटर आई 6x6 हो और अदर आई 6x9 हो तो भी चलेगा, मतलब दोनों आई 6x6 है तो बेस्ट है, बट आपकी एक आई 6x6 है और अदर आई 6x9 है तो भी चलेगा, बट इसके सिवाय कुछ नहीं चलेगा। और कलर ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए, और कलर ब्राइटनेस चेक करने के लिए भाई इशारा टेस्ट करवाते हैं, इशिहारा टेस्ट। ये कोई जापानीज प्रोफेसर थे टोक्यो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया था, कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा होता है टॉट 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 होता है, 5 लिखा रहता है, 353 लिखा रहेगा बीच में, तो उसमें डिफरेंट कलर्स रहते हैं, जैसे रेड रूड ग्रीन, रेड ग्रीन का एक्चुअल कॉम्बिनेशन होता है, रेड ग्रीन येलो वगैरह भी कलर रहेंगे, बट इसमें एक्चुअली एक टेस्ट करना चाहते हैं कि आप रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि एक्चुअली में कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ रेड और ग्रीन में ही होती है। देखो भाई सीधी बात, IMU ने या फिर DGCP ने कोई भी बात नहीं करी इस बारे में कि आपका फ्लैट फुट है तो इससे कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो मैटर सॉल्व हो गया भाई, कुछ भी हो सकता है, बट आप प्रॉपर, अगर आप प्रॉपर फिजिकली फिट नहीं है, आपको लगता है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ, तो आप ज्वाइन मत करिए, क्योंकि IMU वगैरह जाओगे तो आप लोगों को कंट्री क्रॉस कंट्री रेस दौड़नी पड़ेगी, रोज PT परेड होगी, ये सब फिजिकल फिटनेस होगी वहाँ, तो वहाँ बहुत डिप्रेस फील करोगे, और ऐसा भी, और ऐसा होता है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो लेती नहीं है जिनके फ्लैट फुट होते हैं, तो कुछ कंपनीज लेंगी और कुछ नहीं लेंगी, ऐसा भी हो सकता है, तो इस बात को लेकर डरना नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इस चीज़ को लेकर, इनकी नीज ऐसा आपस में मिलती है ना, देखो जैसे मेरी नीज है आपस में मिल रही है अगर ऐसे, तो उसका एक सलूशन है, अपने पैर के बीच में तकिया रख के सोइए, ठीक है, तो वो आपका थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। और दूसरा है, और क्या कह सकते हैं, और जैसे कि जिनका फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट में इतना इशू नहीं है, क्योंकि शूज़ वगैरह पहनोगे तो लगभग चीज़ें ठीक रहेंगी, आप चल सकते हो, फिजिकली फिट हो, थकना नहीं है ज़्यादा, और भाई देखो शिप पे काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप फिजिकली फिट नहीं होगे तो आपको कंपनी निकाल देगी, ये बात तो मान के चलो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, और भाई जो भी आई म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, भाई एक से कंटेंट लाते रहते हैं, हम लोग तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन चालू करी थी, वो यहाँ क्या करें CET कैंसिल हो गया, अब टेस्ट सीरीज बंद कर दी हमने, फ्री टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चालू कर रखी थी। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, अगर इस वीडियो पे 7 लाइक्स आते हैं ना, तो हम अगला वीडियो IMU में मरीन इंजीनियरिंग या फिर BSc नॉटिकल साइंस की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, IMU CET aspirants_95 साइनिंग ऑफ, टाटा।